दोस्तों आज की वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूं जो कि काफी ज्यादा बढ़िया ब्रेकआउट के साथ में मिलेंगे आपको और यहां पे जो है काफी अच्छे लेवल्स में आपको निकाल के दूंगा दोस्तों। वीकली टाइम फ्रेम पे निकाल के दूंगा लेवल्स को और फिर यहां पे आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए डे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको जो है ट्रेड करना है दोस्तों। आपके अकॉर्डिंग है, आप चाहे तो स्विंग ट्रेड कर सकते हो, चाहे तो पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो दोस्तों, बट मैं आपको लेवल्स अकॉर्डिंगली बता दूंगा दोस्तों। तो शुरुआत करने से पहले आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें दोस्तों। वहां पे काफी ज्यादा अच्छी जो है आपको मिलती रहती है दोस्तों और कुछ स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज भी मिलती रहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला स्टॉक जो है हमारा स्वान एनर्जी लिमिटेड का है दोस्तों। पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे नहीं, पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा दोस्तों आपको। वीकली टाइम फ्रेम पे यहां पे एक चीज देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये एक लेवल है दोस्तों यहां पे जो कि 252 रुपए का है दोस्तों। तो फिलहाल 271 रुपए पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, जब जब इसने लेवल इस लेवल को ब्रेक किया, अगर पीछे भी देखे तो पीछे नहीं होगा ये लेवल, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास तो नहीं है ये, मतलब पीछे नहीं है, अब ऑल टाइम हाई के पास आसपास है। तो जब जब इसने इस बड़ी कैंडल को बना के जो है इस लेवल को ब्रेक किया है, उसके बाद में जो है ये स्टॉक लगभग अच्छे रिटर्न्स देता रहा है दोस्तों आपको। जैसे कि यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे आपको 43% के, पीछे आपको 25-26% के, और फिर यहाँ पे अगर निकलता है दोस्तों, मतलब एक अच्छा बुलिश ट्रेड बन सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है आप ले सकते हो दोस्तों बाइंग एंट्री बढ़िया आराम से। तो अगर आप यहाँ बाइंग एंट्री बनाते हो, स्टॉप लॉस आपका रहेगा ये ट्रेंड लाइन ही जो कि 252 रुपए का है दोस्तों। और यहाँ पे देखते हैं टारगेट, अकबार फर्स्ट टारगेट ये वाला रहने वाला है दोस्तों जो कि 12% का, जो कि 305 रुपए इस कैंडल का हाई रहने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, अब दिखाता हूँ छोटी सी पिक्चर दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन चलती रहती है इस टारगेट पॉइंट पे और आप लोगे ट्रेड यहाँ पे दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे 12% के टारगेट, तो सीधे सीधे मान के चलो दोस्तों आप। और अगर आपको बड़े टारगेट चाहिए, थोड़ा से बड़े, अगर यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करता है, कहाँ कौन से लेवल को ब्रेक करता है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि 305 रुपए के आसपास, 306 रुपए के आसपास का है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है दोस्तों तो आपका टारगेट सीधे सीधे यहाँ पे 23% का या फिर ऑल टाइम हाई को या फिर थोड़ा सा नीचे रख सकते हो जो कि 34% कौन वाला है। पोजिशनल ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ पे आप 306 रुपए का रख सकते हो दोस्तों। यानी कि अगर मैं आपको कैलकुलेटर निकाल के दिखाऊँ, फिलहाल स्टॉक प्राइस है 252 रुपए का दोस्तों, और यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते हो दोस्तों 100 क्वांटिटी से तो आपके टोटल कैपिटल लगेगी दोस्तों 25,000। और यहाँ पे जो है अगर ये स्टॉक जो है 306 के आसपास आ जाता है तो आपकी 100 क्वांटिटी है दोस्तों, तो 30,000 आपको यहाँ पे जो है सीधे सीधे मिल जाएंगे दोस्तों। तो 5,000 आपका प्रॉफिट जो है यहाँ पे आसानी से मंथली में, मंथ हो ही, मतलब मंथ से तो मतलब कम में हो जाएगा दोस्तों अगर ये टारगेट अचीव करना है तो इसने, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हो जाएगा ये टारगेट अचीव। तो इस नेक्स्ट टारगेट की तरफ चलते हैं हम, जो कि है यहाँ हमारा काफ़ी फेमस स्टॉक जो कि BSE लिमिटेड यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो है ये स्टॉक है दोस्तों। वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले आपको शो करूँ, काफ़ी उतार चढ़ाव इस स्टॉक में आए हुए हैं और यहाँ पे ना ये वाला लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि 552 रुपये का दोस्तों। तो इस लेवल को यहाँ पे भी एग्जैक्ट इसने टच किया, यहाँ पे भी इस कैनल ने भी एग्जैक्ट टच किया, फिर इसको लेवल को ब्रेक कर दिया दोस्तों और फिर स्टॉक नीचे एक पुल बैक लेके आया दोस्तों। और यहाँ पे जो है ट्रेंड रिवर्स हो गया, कैनल अच्छी सी बनी और यहाँ पे जो है बुलिश ट्रेड ही लेता गया ये स्टॉक। और पीछे देख सकते हो इसका इतिहास कुछ खास नहीं है दोस्तों, मतलब नीचे से चलता आ रहा है यहाँ पे। और फिलहाल जो आपको मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, अगर तो ये यहाँ पे जैसे कि यहाँ से ब्रेक किया है, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है जैसे कि यहाँ पे करेगा, ऐसे कंसोलिडेशन करता है तो आपको वेट करना है दोस्तों। बट मेरे ख्याल से फिलहाल कंसोलिडेशन नहीं करेगा क्योंकि दोस्तों ये नवंबर 2021 की एक कैंडल है यहाँ पे, तो यहाँ से थोड़ा टाइम अलग था, अब टाइम अलग है दोस्तों। तो यहाँ पे इसने 66% के रिटर्न दिए थे जब इस लेवल को ब्रेक किया था दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं अगर इस लेवल को टच करके रिट्रेस भी किया था ना दोस्तों, तब भी कितने परसेंट के रिटर्न दिए थे अपने को, 25% के। मतलब टारगेट अच्छा ही लेके चलता है दोस्तों इस लेवल के बाद स्टॉक। तो यहाँ पे अगर आप एंटर करते हो दोस्तों तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये वाली कैंडल, सॉरी कैंडल कह रहा हूँ, ये 552 का लो, हमारा स्विंग लो नहीं एक्चुअली, ये लेवल जो कि है हमारा रेजिस्टेंस बन, सॉरी सपोर्ट बन चुका है, जो कि पहले रेजिस्टेंस था दोस्तों, रेजिस्टेंस तोड़ के अभी सपोर्ट बन चुका है दोस्तों ये। तो यहाँ पे टारगेट फर्स्ट आपका होने वाला है लगभग 16% का जो कि 705 रुपये के आसपास का होने वाला है। और यहाँ पे अगर आपको सेकंड टारगेट पोजिशन ट्रेडिंग के लिए चलना है तो दोस्तों और अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए चलना है तो यहाँ तक आप 60% के रिटर्न्स लेके चल सकते हो। हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा रुकना पड़े, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल्स आपको नजर आते हुए दिखेंगे दोस्तों। बट फिलहाल मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे जाकर दिखा देता हूँ दोस्तों क्या मामला है स्टॉक का। तो ये देखिए दोस्तों, ये है सारा स्टॉक, यहाँ पे इसने रिट्रेस किया थोड़ा सा
और टेस्ट किया, रिटेस्ट किया इसको, और फिर यहाँ पे जो है एक अच्छी बुलिश ट्रेंड लेके जो है स्टॉक निकल चुका है दोस्तों। अब ये बुलिश कैंडल ही बनाता चला जाएगा जब तक जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक रिट्रेस किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन चली और फिर काफी अच्छा जो है यहाँ पे प्रॉफिट हमें गेन करने को मिला दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये स्टॉक को भी कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी का। वैसे दोस्तों ये सारे जो है एक बाइंग रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियोज होती है दोस्तों, तो आप उस ख्याल से जो है अपनी एनालिसिस जरूर से करें दोस्तों। तो ये डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है दोस्तों, एक वीक का चार्ट है, वन वीक का मतलब वन वीक टाइम फ्रेम है दोस्तों। तो ये पहले भी हमने एनालाइज किया था दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन दो चार बनाई थी हमने, और यहाँ पे जो है ये एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, ये पहले की बात है दोस्तों। और यहाँ पे जो है हमें काफ़ी अच्छा ट्रेड भी मिला था दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने इस लेवल पे जो है 7-8% के रिटर्न अच्छे तरह से कमा लिए थे दोस्तों। तो बट यहाँ पे जो है अगर आप एक्यूरेसी की बात करो ना दोस्तों, यही होता है प्राइस एक्शन, बिल्कुल हमने ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ये निकाला था लेवल, जो कि 49.93 का था, और फिलहाल जो है 49.53 का हमारा लेवल था, प्राइस फिलहाल 49.93 चल रहा है दोस्तों, मतलब बिल्कुल जो है एग्जैक्ट पिन पॉइंट टच करके गया दोस्तों। बट जो स्टॉक है फिर से रिट्रेस किया और यहाँ पे जो है रिटेस्ट करने आया लेवल को, बट लेवल को रिटेस्ट करते करते नीचे चला गया दोस्तों। बट यहीं पे होती है दोस्तों बड़े प्लेयर्स की एंट्री दोस्तों, क्योंकि जब जो है सारे लेवल्स टूट जाए, जब आप देखो आप रिटेलर हो, मैं भी रिटेलर हूँ, हम सोचते हैं कि ये लेवल को तोड़ रहा है अभी स्टॉक नीचे जाएगा, आप सोचते हैं कि ये वाली ट्रेंड लाइन जो है इसको तोड़ेगा तब मैं सेल करूंगा, तब भी आप जो है यहाँ पे सेल नहीं करते, तो आप यहाँ पे तो सेल एग्जैक्टली कर ही दोगे। और जब ज्यादा लोग सेल करते हैं, ज्यादा रिटेलर सेल करते हैं, तभी जो है बड़े FII DII जो है बड़े प्लेयर्स मार्केट में आते हैं और यहाँ पे इसको जो है बाय करते हैं दोस्तों, और बाय करने का नतीजा आप सामने ही देख पा रहे हैं दोस्तों, एक अच्छी बुलिश ट्रेड मिली है दोस्तों। बट यहाँ पे भी मिली थी दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखो ना बिल्कुल सेम, यहाँ तक आप यहाँ ये रेड कैंडल भूल जाओ, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम कैंडल्स बनी है ऐसी, एक रेड कैंडल को छोड़ के। तो यहाँ पे अगर आप सोचोगे तो यहीं से रिट्रेस कर जाएगा, ये रिट्रेस नहीं करेगा कि इसने ऊपर वाले लेवल को तोड़ दिया दोस्तों, और एक ग्रीन कैंडल ऊपर जो है क्लोजिंग दे दी है। अभी डेली टाइम फ्रेम में जाके आपको मैं दिखाता हूँ ये मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों। तो ये देखिए ऊपर कैंडल को क्लोजिंग दे दी है, अभी एक और कैंडल छोटी सी बन सकती है दोस्तों, रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है, बट यहाँ पे जो है काफी अच्छे खासे जो है आपको रिटर्न्स मिलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे नहीं, फिलहाल आपको वीकली टाइम फ्रेम में आपको मैं ट्रेड लेके बता दूंगा कि कहाँ पे लेवल है। तो स्टॉप लॉस आप काफी बड़ा भी रख सकते हो, काफी छोटा भी रख सकते हो, वैसे अगर आप इस कैंडल को यहाँ तक का रखो तो 6% का वो भी ठीक है, वरना आप इस ट्रेंड लाइन का रख सकते हो जो कि यहाँ पे जो है 4954 की है दोस्तों, काफी छोटा स्टॉप लॉस होगा, बट हिट भी हो सकता है, बट आपको जो है यहाँ पे रख सकते हो दोस्तों, बहुत ज्यादा मिनिमलिस्टिक स्टॉप लॉस है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है लेवल आपका जो है सीधे सीधे दोस्तों यहाँ तक, जो कि होने वाला है 4% का फिलहाल तो, बट अगर आप बड़े ट्रेड की बारी ले रहे हो तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई की जो है तलाश कर सकते हो, जो की 11.76% का है, मतलब आपको अच्छा जो है लेवल मिल जाएगा दोस्तों। रिस्क भी तो देखो ना यार, 11 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, तो मतलब बहुत ज्यादा जबरदस्त रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट्स बताना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मत भूलना दोस्तों, जरूर कर देना सब्सक्राइब, और ये हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना दोस्तों।